का स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा वेस्ट। वो विवाद जिस पर सालों से सुनवाई हो रही थी, दलीलें दी जा रही थी, तारीख पर तारीख दी जा रही थी, अब उस सबसे बड़े मुकदमे के फैसले की घड़ी आ गई है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर 17 नवंबर से पहले किसी भी दिन फैसला आ सकता है। 16 अक्टूबर को मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और देश सांस रोके फैसले का इंतजार कर रहा है। इधर अयोध्या में इस वक्त अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। अयोध्या भले ही बाहर से खामोश नजर आ रही है, लेकिन अंदर बड़ी हलचल मची हुई है। जिस विवाद ने सैकड़ों सालों से अयोध्या को परेशान किया है, अब उसका फैसला आने वाला है। फैसला क्या होगा, फैसले के बाद क्या होगी अयोध्या की तस्वीर, क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट मुहर लगाएगी या सबसे अलग होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या हिंदू मुस्लिम स्वीकार करेंगे अयोध्या पर सुप्रीम फैसला, सवाल कई हैं और इसका जवाब भी हर कोई अपने अपने तरीके से दे रहा है। लेकिन हमारी तो यही अपील है कि फैसला जो भी हो ना छूटे गंगा जमुनी तहजीब। 489 साल पुराने विवाद के फैसले का काउंटडाउन शुरू। किसी भी दिन आ सकता है सुप्रीम फैसला। इंतजार का एक एक पल पड़ रहा है भारी। अयोध्या विवाद के फैसले पर देश भर में तैयारी। अयोध्या में छाई अजीब सी बेचैनी। फैसले से पहले अयोध्या बनी छावनी। अयोध्या में शांति और सद्भाव की अपील। फैसला जो भी हो ना टूटे गंगा जमुना तहजीब। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी फैसला सुना सकता है। फैसला आने से पहले अयोध्या को पुलिस छावनी में तब्दील किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनाती की जा रही है, साथ ही अयोध्या से सटे जिलों की सीमाओं को भी सील करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द कर दी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स भी मंगाई गई है। नजदीकी अस्पतालों में दवाई का इंतजाम किया जा रहा है। अस्पताल के डॉक्टरों से कहा गया है कि हमेशा ड्यूटी पर तैनात रहें, सभी आवश्यक दवाइयों और अन्य सुविधाओं की तैयारी रखें। उधर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बड़े नेता बैठक कर रहे हैं, जिससे जोर दिया जा रहा है कि फैसला चाहे जिसके पक्ष में आए, इसे जीत या हार के तौर पर नहीं देखा जाए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों से इस मुद्दे पर अनावश्यक बयानबाजी से बचने और देश में सद्भाव बनाए रखने को कहा है। राम जन्म मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर 17 नवंबर से पहले किसी भी दिन फैसला आ सकता है। 16 अक्टूबर को मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और देश सांस रोके फैसले का इंतजार कर रहा है। अयोध्या में इस वक्त अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। अयोध्या भले ही बाहर से खामोश दिख रही हो, लेकिन रामनगरी में अजीब सी हलचल महसूस की जा सकती है। जिस विवाद ने सैकड़ों सालों से अयोध्या को परेशान किया है, उस पर अब फैसला आने वाला है। फैसला क्या होगा, फैसले के बाद क्या होगी अयोध्या की तस्वीर, क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट मुहर लगाएगा या सबसे अलग होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या हिंदू मुस्लिम स्वीकार करेंगे अयोध्या पर सुप्रीम फैसला, ये वो सवाल हैं जो देश के साथ साथ अयोध्या को भी परेशान कर रहे हैं। राम मंदिर पर सुप्रीम फैसले का इंतजार कर रहे अयोध्या के लोगों का कहना है कि फैसले को लेकर थोड़ी आशंका जरूर है, लेकिन सबके बावजूद अयोध्या के लोगों को एक दूसरे से कभी परेशानी नहीं हुई। परेशानी तब होती है जब भीड़ बाहर से आती है।
ऐसे में प्रशासन बाहर से आने वाले लोगों पर पैनी नजर रखे हुए है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मद्देनजर अपने कैबिनेट सहयोगियों से इस मुद्दे पर अनावश्यक बयानबाजी से बचने और देश में सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। हाल ही में मन की बात में पीएम मोदी ने 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अयोध्या मामले पर आए फैसले के बाद सरकार, राजनीतिक दलों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा अराजकता और हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों और कोशिशों को याद किया था। एक तरफ दो हफ्ते तक गर्माहट के लिए सब कुछ हुआ था, लेकिन जब राम जन्मभूमि पर फैसला आया तब सरकार ने, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने, सिविल सोसाइटी ने, सभी संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने, साधु संतों ने बहुत ही संतुलित और संयमित बयान दिए। और अब एक बार फिर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, ऐसे में देश में सद्भाव और शांति बनाए रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। इस मुद्दे पर सभी को अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस फैसले को हार और जीत के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, और अगर सब लोग चाहते हैं कि जो फैसला है उसको सब माने तो फिर सब माने उसको। और मैं ये कह सकता हूँ कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहुत लोगों ने अपीलें भी की हैं, और अगर आप उर्दू मीडिया में जाकर देखें तो आपको थ्रू आउट इंडिया, पूरे देश के अंदर इस तरह की अपीलें मिलेंगी जिसमें अमन अमान कायम रखने के लिए और वर्डिक्ट जो भी आए सुप्रीम कोर्ट का उसको एक्सेप्ट करने के लिए अपीलें की गई हैं। प्रधानमंत्री जी, समय समय पर जब लिंचिंग का मामला आया या किसी भी तरह के धार्मिक टकराव का मामला आया, इस प्रकार के उनके बयान तो आते हैं, पर हम ये देखते हैं कि जो उनके पार्टी के लोग हैं और अन्य लोग जो उनके विचार को मानने वाले लोग हैं, कभी मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, और इस प्रकार का वातावरण पैदा करते हैं जिससे देश के अंदर टकराव पैदा होता है, और वो लोकतंत्र और संविधान के लिए अच्छी बात नहीं है। मंत्री उनके, उन्हें भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है या लोगों को भड़काने की या इस बात पर टिप्पणी करने की, ये बहुत जरूरी है। अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री की हिदायत को किस हद तक उनके मंत्री और बीजेपी पार्टी मानती है कि नहीं। वहीं आरएसएस ने तय किया कि वो अयोध्या फैसले से पहले लेफ्ट पार्टियों, तृणमूल कांग्रेस, सपा और आरजेडी समेत अन्य पार्टियों के साथ बात करेगा। इसके अलावा संघ मुस्लिम सांसदों और विधायकों से भी चर्चा करेगा। इससे पहले 5 नवंबर को भी संघ और बीजेपी नेताओं ने कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं से मुलाकात की थी। बैठक में ये तय हुआ कि जो फैसला आएगा वो किसी की न तो जीत होगी और न किसी की हार। इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कि ये बात सही है, और मुझे इस बात की खुशी है कि समाज का सभी हिस्सा, सभी संप्रदाय के लोग इस मत के हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है उस फैसले को वो स्वीकार भी करेंगे और उसका सम्मान भी करेंगे। और कोई भी ताकत देश के सौहार्द के माहौल को, एकता के माहौल को नुकसान ना पहुंचा पाए, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम कानून का एहतराम करते हैं, जो फैसला आएगा उसका एहतराम की नजर से देखेंगे। मैं अपनी पीढ़ी की बात करूं, 50 के ऊपर कहूं, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में हमने शहरों को जलते देखा, जाने जाते देखी, हमारी प्राथमिकताएं बदल गई, रोटी रोजगार के बदले हम मंदिर मस्जिद में ही उलझ कर आ गए। अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है और गांधी की सोच के मुताबिक बनावट और बुनावट तय करनी, तो इस अध्याय में जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ा जाए। अब किसी भी दिन आजाद भारत का सबसे बड़ा फैसला आ सकता है। जिस फैसले का देश को पिछले 70 सालों से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और देश सांस रोके फैसले का इंतजार कर रहा है। ये देश गंगा यमुना की तहजीब वाला देश है और सैकड़ों सालों से आपसी सद्भाव की पहचान है। ऐसे में देश यही उम्मीद कर रहा है कि फैसला किसी के भी पक्ष में आए, लेकिन हमारी सांझी संस्कृति पर कोई आंच न आए। ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी ने अयोध्या विवाद पर आने वाले फैसले को लेकर देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करने की अपील तो की है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं।
कोर्ट के फैसले से पहले और बाद में देश में किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और उधर अयोध्या में भी सुरक्षा को लेकर इंतजाम तमाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। जिले को कई भागों में बांटकर अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर दी गई है। सूचना के लिए ग्राम प्रधान तक को पूरे प्लान का हिस्सा बनाया गया है। अयोध्या में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में अस्थायी जेल बनाने के लिए कई स्कूल को चिन्हित किया गया है। फैसले के बाद अयोध्या से जुड़ी जिले की सीमाएं सील करने की भी पूरी तैयारी है। अयोध्या विवाद के फैसले को लेकर पुलिस समेत अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को 24 घंटे अपने अपने क्षेत्र पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी सक्रियता बरती जा रही है। फैसले के बाद किसी भी स्थिति से निपटने के लिए शासन प्रशासन की अधिकारियों के साथ बैठकें लगातार जारी है। इनमें संबंधित अधिकारियों को सतर्क करते हुए अपने अपने विभागीय कर्मचारियों के जरिए क्षेत्रों पर नजर रखने का निर्देश प्रशासन की ओर से दिया गया। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सेल का गठन किया गया है। सेल में कई इंस्पेक्टर और दरोगाओं की भी तैनाती की गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को भेजा गया है। विस्तृत रूप से चर्चा करके सभी अपने अधिकारियों से ये कहा है कि जो श्रद्धालु आए उनके सहयोगी के रूप में उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं दी जाएं। और मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा, यहाँ स्थानीय श्रद्धालुओं से और बाहर से आने वाले भी हमारे जो श्रद्धालु और पर्यटक हैं जो परिक्रमा में आएंगे, हमारे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का जितना अच्छा वो सहयोग करेंगे। तमाम तैयारियों के बीच स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क किया गया है। जिला अस्पताल समेत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों समेत पूरे स्टाफ को मुस्तैद रहने को भी कहा गया है। प्रशासन के मुताबिक LIU और अन्य जांच एजेंसियों को लगातार सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। गोपनीय सूचनाओं से प्रशासन और पुलिस अफसरों को तत्काल अवगत कराया जा रहा है। फैसले के मद्देनजर सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट शेयर लाइक करने से बचने की लोगों को सलाह दी जा रही है। पंचकोसी परिक्रमा कल प्रातः शुरू हो रही है, उसमें जो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की ओर से प्रबंध किए गए हैं और अधिकारी जो ड्यूटी पे लगाए गए हैं उसको रिव्यू करने के लिए हम लोगों ने आज ये बैठक आयोजित की गई थी। और इसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको ये निर्देशित किया गया है कि विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था जो नगर निगम के जुम्मे है और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं सामान्य पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए जो आवश्यक होती हैं, जन सुविधाएं जिनको हम कहते हैं, शौचालय, हमने मोबाइल शौचालयों की भी व्यवस्था की है। एहतियात के तौर पर 6 सुपर जोनल, 5 जोनल और 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट को नामित करते हुए क्षेत्र का बंटवारा कर दिया गया है। कई सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी 30 नवंबर तक निरस्त कर दी गई है। इसके साथ ही अधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने की दशा में पहले सूचित करने का निर्देश दिया गया है। ग्राम प्रधानों तक को सूचना का माध्यम बनाया गया है। उन्हें भी किसी अप्रिय घटना की जानकारी तत्काल देने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन की रोजाना सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने जितनी दलीलें देनी थी वो दे चुके। अब सुप्रीम कोर्ट में फैसले का इंतजार है। फैसले को देखते हुए अयोध्या समेत पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरा देश इस वक्त हाई अलर्ट पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास सतर्कता बरती जा रही है। सभी समुदाय के बीच शांति बैठकें की जा रही है, तो शरारती तत्वों पर सख्ती से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। अयोध्या पर फैसले की घड़ी अब बेहद करीब है। ऐसे में देश भर में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। देश के अंदरूनी इलाकों समेत कई सीमाओं पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
सिद्धार्थनगर जिले से सटी नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गए हैं। वैसे तो नेपाल बॉर्डर पर ये एजेंसियां हमेशा ड्यूटी पर रहती हैं, लेकिन राम मंदिर पर फैसला आने को लेकर कुछ ज्यादा ही अलर्ट नजर आ रही हैं। भारत नेपाल सीमा पर हर आने जाने वाले की सघन तलाशी ली जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले के बॉर्डर पर 68 किलोमीटर नेपाल की खुली सीमा है। सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी बॉर्डर से पहले भी कई आतंकवादियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ऐसे में अयोध्या विवाद पर फैसले की तारीख नजदीक आने और आतंकी इनपुट जारी होने पर इस सीमा पर चौकसी सख्त कर दी गई है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में भी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शांति व्यवस्था आपसी भाईचारा बनाए रखने की लोगों से अपील भी की जा रही है। शांति कमेटी की बैठकों का दौर भी जारी है। जैसा पहले भी एक बार अलर्ट था और उसके बाद अभी राम जन्मभूमि का भी फैसला आ सकता है, तो इस क्रम में मेरे और कप्तान साहब द्वारा और पुलिस द्वारा काफ़ी सभी बॉर्डर चेक पोस्ट को चेक भी किया जा रहा है, सभी बॉर्डर भी किया जा रहा है और सभी को इन्फॉर्म भी किया गया कि कोई भी संदिग्ध या कुछ भी टाइप की कोई भी गतिविधि हो तो तत्काल हमें सूचित कर, क्योंकि उसी के क्रम में एक सभी को चेक करना और सभी को एक सेंसिटाइज करने के लिए ये सब चेक, क्योंकि ओपन बॉर्डर है और अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई फेंसिंग है, फिर भी जहाँ जहाँ मेन पॉइंट्स हैं, मेन चौक पॉइंट्स हैं, उनके तो अलर्ट है। देखिए, जो हमारा नेपाल के साथ सीमा है वहाँ पे हमारी सिविल एजेंसी एसएसबी तैनात है और सिविल पुलिस और एसएसबी मिलकर नियमित रूप से वहाँ पे चेकिंग अभियान चलाती है। अभी क्योंकि आगामी कुछ दिनों में हमारा अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा मेला जो आयोजन होने वाला है, उसके लिए काफ़ी बड़ी संख्या में नेपाल से श्रद्धालु प्रतिभाग करने के लिए इंडिया में आते हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो और उनकी आड़ में कोई संदिग्ध या कोई अवांछनीय तत्व हमारी सीमा में ना आए, इसके लिए हमने चौकसी बढ़ा दी है। उधर अयोध्या विवाद पर फैसला आने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वैसे वैसे सुरक्षा इंतजामों को और भी पुख्ता बनाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियां, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रही हैं। अयोध्या विवाद के फैसले के मद्देनजर पूर्वांचल के 10 जिलों के संवेदनशील इलाकों और धर्म स्थलों की सुरक्षा के लिए एडीजी बृजभूषण के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी कोतवाली ने भारी पुलिस बल के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में मार्च किया। हनुमान फाटक, पीली कोठी, विशेश्वरगंज, चेतनपुरा, पठानी टोला, राजघाट और प्रहलाद घाट समेत कई इलाकों में रूट मार्च निकाला गया। अयोध्या विवाद पर फैसला आने से पहले समाज के सभी वर्गों से आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील की जा रही है। इस काम में सामाजिक संस्थाएं तो आगे आ ही रही हैं, लोग बाग भी सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने अनोखी पहल की। समाज में शांति व्यवस्था और भाईचारा बनाए रखने के लिए मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी और लोगों से फैसले का सम्मान करने की अपील की। मुस्लिम महिलाओं ने गली और मोहल्लों में घर घर जाकर पर्चे बांटे और समाज में बंटवारा पैदा करने वालों से सावधान रहने की अपील की। यही अपील की है कि जैसे समझौते में चल रहा है, जैसे शांतिपूर्वक अयोध्या मामला वाला बना रहे, बस चलता रहे। आप क्या कहेंगे कि हम भी इस पहल में हम भी समझौते में हैं कि समझौता बना रहे, बरकरार, सब लोग मिलजुल करके रहे, शांतिपूर्वक सब सबका साथ सबका विकास होता रहे, और क्या चाहिए। अयोध्या के बारे में शांति बनाने के लिए कह रही है, शांति बना ही है। हाँ, एकदम अच्छा प्रयास है और हर जगह होना चाहिए इस चीज़ का। मुल्क या अपने शहर से, जो कि हमारा शहर एक गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल दिया जाता है, उन तमाम जनता से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे हर तरह से निवेदन करेंगे कि प्लीज़ इस फैसले का खुले दिल से सम्मान करें और हिंदू मुस्लिम जिस तरह भाई भाईचारा बना रहा है हमेशा से, वो बना रहे, यही चाहते हैं कि उनको इस फैसले को जिस तरह भी हो वो सम्मान से देखें, तह दिल से करें। मेरा यही जनता से गुजारिश है, बिल्कुल उनकी दिल में ये खुशी कि आप मुस्लिम बहनें हमारे लिए अपील करने आई हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी नहीं है कि आप हर चीज़ का, चाहे हमारे हक में फैसला हो चाहे आपके हक में फैसला हो, आप तहे दिल से उसके सम्मान देने की बात कर रही हैं। हमें बहुत धार्मिक मामले में संवेदनशील सहारनपुर में भी अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। सहारनपुर के जनमंच सभागार में जिले के सभी उच्चाधिकारियों सहित सर्व समाज के लोगों को बुलाकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें डीएम, कमिश्नर, सांसद सहित विधायक भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिले के सभी गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों ने आने वाले सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मामले पर निर्णय को लेकर पूरे शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की। इस मौके पर सभी धर्मों के लोगों ने जिला प्रशासन को आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। अयोध्या में अयोध्या का आने वाला जो वर्डिक्ट है, उसी के दृष्टिगत आज कई मुद्दों पर चर्चा हुई
पीस कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे ये आग्रह किया गया कि वह अपने गांव में जा करके बैठ के करके इस चीज़ की चर्चा करें और एक अच्छा माहौल बनाएं कि जो भी वर्डिक्ट आए, जो भी निर्णय आए, हम सब लोग मिल करके उसको सहर्ष रूप से स्वीकार करेंगे और किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे। कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी निर्णय आए, हमारे शहर के लोग, हमारे ज़िले के लोग उसको कबूल करें और किसी तरह का कोई रिएक्शन न देने का काम करें। इसलिए ये एक अहम मसला है जो तकरीबन 80-90 साल से चला आ रहा है और इसका फाइनल डिसीज़न आने जा रहा है। ये डिसीज़न जो है वो हमारे समाजों पर असर डालने वाला होगा। उधर सहारनपुर पुलिस ने फैसले के बाद किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की भी पूरी तैयारी कर ली है। सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत टिप्पणी किसी भी ग्रुप में करता है तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक साइबर सेल स्पेशल प्रशासन की तरफ से बनाया गया है जिससे सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसमें जो आगामी जो प्रस्तावित है जजमेंट आना उसके संदर्भ में वार्ता की गई, बताया गया आदेश निर्देश निर्गत जो आदेश निर्देश थे वो बताए गए, किस तरह से हमें सोशल मीडिया के अफवाहों से बचना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे माहौल ख़राब हो, क्या क्या सावधानियां बरतनी है ये सब बताया गया। पब्लिक की तरफ से भी फीडबैक दिया गया, आश्वासन दिया गया कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं होगी, हम लोग सजग हैं, सजग हैं, अलर्ट हैं, प्रशासन के साथ हैं, मिलजुल कर एक अच्छा माहौल रखेंगे। राम मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख करीब आते देख गाजीपुर प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त बनाने की कवायद तेज कर दी है। वाराणसी कमिश्नर दीपक अग्रवाल और आईजी रेंज विजय सिंह मीणा ने गाजीपुर जनपद पहुंचकर मंगलवार देर शाम तक अधिकारियों और विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ बैठकें की। जिला पंचायत सभागार में सभी धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ बैठक में डीएम एसपी सहित पूरा प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। इस अवसर पर विभिन्न समुदाय के लोगों ने अयोध्या मसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आने वाले फैसले पर शांति व्यवस्था कायम रखने और सौहार्द को ना बिगड़ने देने की बातें कही। वहीं कमिश्नर ने व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर भी नजर रखने और नियंत्रण की बात कही और कहा कि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस सकारात्मक गोष्ठी के पश्चात जनपद गाजीपुर में हम लोग का कोई भी ऐसा कार्य या कृत्य नहीं होगा जिससे कि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो और पुलिस प्रशासन को कोई कठोर कदम उसमें उठाना पड़े। यूपी के सीतापुर में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आईजी लखनऊ रेंज एस के भगत ने कलेक्ट्रेट सभागार में अयोध्या फैसले को लेकर पीस कमेटी की बैठक की। बैठक में डीएम अखिलेश तिवारी व एसपी एलआर कुमार सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों सहित तमाम संगठनों के लोग मौजूद रहे। जिला प्रशासन और पुलिस सोशल मीडिया पर नजर रख रही है, जो भी खुराफाती तत्व हैं उनकी पहचान की जा रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और एनएसए तक भी लगाया जा सकता है। उधर फर्रुखाबाद में अयोध्या के फैसले को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। फर्रुखाबाद जिले में पहुंचे कानपुर मंडल के आईजी और कमिश्नर ने जनप्रतिनिधियों और सभी संप्रदाय के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में दोनों अधिकारियों ने अयोध्या फैसले को लेकर यह स्पष्ट किया कि किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जाती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर आती है तो उसे लाइक या उसको शेयर करने पर भी संगीन धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा होगा। फॉरवर्ड करता है या उसको लाइक करता है या उस पर कोई कमेंट करता है तो वो भी उतना ही दोषी है जिस आदमी ने उसको पोस्ट किया। तो उसको अगर कोई आपत्तिजनक चीज दिख रही है तो तत्काल रिपोर्ट करे, ना कि उसको लाइक कर रहे हैं या उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमें तो साहब आया था फॉरवर्ड कर दिया, हमारी कोई गलती नहीं। साफ है अयोध्या के फैसले को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शरारती तत्वों की पहचान कर उन पर निगाहें रखी जा रही हैं। वहीं सभी संप्रदाय के लोगों से देश की साझी संस्कृति को बचाए रखने की अपील की जा रही है। अब देखना है कि सरकार की मुस्तैदी का कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट है, बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।